तो गाइस आज की जो वीडियो होने वाली भाई ये होने वाली आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी डिवाइस या कोई भी मेटल डिटेक्टर लेने की जरूरत नहीं होने वाली, क्योंकि गाइस हम एक एप्लीकेशन की मदद से ही भाई आज मेटल डिटेक्टर को देखने वाले। तो गाइस यहाँ पे भाई अपने स्मार्टफोन के अंदर आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है गाइस मेटल डिटेक्टर। तो गाइस यहाँ पे भाई आपको प्ले स्टोर के अंदर जाना होगा और यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन को सर्च करना होगा। तो यहाँ पे मैं मेटल डिटेक्टर सर्च करता हूँ और गाइस कुछ इस प्रकार से भाई आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो भाई ये मेटल एंड गोल्ड डिटेक्टर, इसे ऐप को यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना हो। तो मैंने ऑलरेडी वैसे इंस्टॉल कर रखा है पहले से, मैं अभी इसे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो भाई यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ, इसका फर्स्ट इंटरफेस देख सकते हो किस प्रकार से भाई यहाँ पे आता है। तो गाइस यहाँ पे भाई जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, गाइस यहाँ पे भी कुछ रीडिंग आ रही है। तो गाइस ये जो रीडिंग है भाई यहाँ पे जो बेंच है ये मेटल की बनी है, उसके कारण यहाँ पे थोड़ी बहुत रीडिंग आती रहती है। तो गाइस इस ऐप की भाई जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो गाइस मेरे पास यहाँ पे एक नट है जो कि भाई यहाँ पे मेटल का, जैसे गाइस इसके पास में इस एप्लीकेशन के पास में इस मोबाइल के पास ले जाऊंगा, देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ जो रीडिंग है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। देख सकते हो गाइस किस प्रकार से गाइस जो नंबर है भाई यहाँ पे बढ़ गए हैं। तो गाइस जैसे गाइस इसको हटाऊंगा ऑटोमेटिक जो रीडिंग है वो कम हो जाएगी, कुछ कुछ इस प्रकार देख सकते हो। देख सकते हो गाइस किस प्रकार से जो रीडिंग है भाई वो यहाँ पे बढ़ रही है, और जैसे गाइस मैं इसको हटाऊंगा ऑटोमेटिक जो रीडिंग है वो काफ़ी कम हो जाएगी। देख सकते हो भाई किस प्रकार से ये जो ऐप है भाई वर्क करता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है भाई, ज़मीन के पास तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। वीडियो गाइस आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस इस एप्लीकेशन की जो लिंक है भाई वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो।